सुन के पागल हो गए। पुतिन 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 पुतिन, बस सुबह से लेकर शाम तक यही होता है। जय श्री राधे कृष्णा, कैसे हैं आप सब। मैं सावित्री माहौड़ी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल माहौड़ी के व्लॉग्स में। अभी सुबह के 11:30 बजे और सुबह वाला काम जो भी होता है, नाश्ता बनाना, नाश्ता करना सब हो गया, मतलब पूजा पाठ, नहाना धोना, नाश्ता करना सब कुछ हो गया। तो अब दिन के खाने की तैयारी करूँगी। दिन में बनाऊँगी आज मैं दाल चावल। और तबीयत आज भी ठीक नहीं है, पर कल से थोड़ा सा ठीक है। कल तो बहुत ज़्यादा हो रहा था, चक्कर से आ रहे थे। आज मुझे चक्कर नहीं आ रहे, थोड़ा वीकनेस सी हो रही है। और मैं आई हूँ अभी अपने छत पे, हवा अच्छी चल रही है। 2-3 दिन से ऐसा हो रहा मौसम कि हवा अच्छी चल रही है, तो उसकी वजह से थोड़ा मौसम ठीक है। नहीं तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा होगी। धूप देखो कितनी तेज़ होगी। मेरी आँखें बंद आ रही है, मतलब छोटी हो रही है आँखें, क्योंकि सामने जो है ना धूप चमक रही है बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा चलो छत पर चलती हूँ। छत में भी बहुत शोर आता है बाहर का, क्योंकि इधर जो है मेन रोड है और मेट्रो भी चलती है, तो सबका शोर आता है। तो मेरा मन छत पर आने का हुआ। मैंने कहा चलो छत पर ही बना लेती हूँ थोड़ी सी वीडियो। और कल मैंने आप लोगों को दिखाया था ये गुलाब का पौधा कि इसको काट रहा है, तो आज काटेगा शाम के टाइम तक, तो आएगा इसमें भी। आज उसने ये दूसरा इस वाले को इसके पत्ते चबा रखे इधर पूरे। ये मैं आई थी सुबह, देखा तो ये चबा चबा के ये वाले पत्ते इसके खाने लगी। उसको जो मिलता है सब कुछ चबा जाती है ऐसे। न्यूज़ जो है आजकल भाई बस वही यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई चल रही है, उसी की दिन भर सुबह से लेकर रात तक वही न्यूज़ आती है। तो बहुत हो गया भाई पुतिन पुतिन। अब बताओ इस पुतिन को है चाहे जेलंसकी को है, पता होना चाहिए। अभी 2 साल पहले होना पता क्या होना चाहिए, पता तो है ही कि पूरी दुनिया के हर देश की जो अर्थव्यवस्था है सबकी बिगड़ी हुई है। जिनकी अच्छी नौकरी है, यानी कि जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो उनका तो अच्छा है भाई, ठीक है, उनको जॉब कर रहे हैं, उनकी जॉब सुरक्षित है और उन्हें सैलरी मिलती है, तो उनका खर्चा चल रहा है, सब कुछ अच्छा है। जिनकी प्राइवेट जॉब है, जिनका अपना काम है, बहुत से लोगों का बिल्कुल ठप हो रखा है। तो 2 साल से इंसान ऐसे मर रहे, और कोरोना से बहुत से लोगों ने अपने को खोया। तो क्या ये लड़ाई झगड़ा युद्ध वाले, मतलब ये और डराता है इंसान को, बस वर्ल्ड वॉर होने वाला है, वर्ल्ड वॉर होने वाला है। तो क्या है ये भाई, क्यों दिमाग ख़राब हो गया भाई। पुतिन 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 पुतिन, बस पूरा सुबह से लेकर शाम तक वही है। और बस कल शाम को हमारे यूपी के जो मुख्यमंत्री जी बने हैं दोबारा से, श्री आदित्यनाथ योगी जी, तो शाम के टाइम 4 बजे उन्होंने शपथ ग्रहण करी थी। तो उसका दिखाया था जो भी जितने भी उनके मंत्रिमंडल में मंत्रियों ने शपथ लिए। बाकी पूरे सुबह से लेकर शाम तक वही पुतिन 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 सुनती हूँ। तो योगी जी को उनके दोबारा से सीएम बनने की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं पूरे देशवासी उनको दे रहे। तो अभी जाती हूँ, अब खाना बनाती हूँ दिन का। तो खाना, दिन का खाना भी हम जल्दी खा लेते, यानी कि 1 से 1:30 बजे तक खा लेते हैं। तो अभी बनाती हूँ मैं आज अरहर मलका की दाल और चावल बनाऊँगी थोड़ी सी। नीचे जाने का मन नहीं हो रहा, मौसम अच्छा हो रखा, बढ़िया हो रखा है। अंदर पंखे की हवा भी सही लग रही है आजकल 2-3 दिनों से, नहीं तो गर्मी लग रही थी, बहुत पसीने आ रहे थे उससे, पंखे से भी। एसी चलने की तैयारी हो गई है, बल्कि लोगों ने तो चला भी दिया है, बहुत से लोग चला रहे हैं यहाँ पर। हमने तो अभी उसकी सर्विस भी नहीं करी है, पहले सर्विस करेंगे उसके बाद चलाएँगे। तो चलो अब मैं जाती हूँ नीचे और बनाती हूँ दिन का खाना, उसके बाद आप लोगों से मिलूँगी। तो अभी दिन के 2 बजे और दिन का खाना हमारा हो गया है। जैसे कि मैं आप लोगों से बोल रही थी मैं दाल चावल बनाऊंगी, तो मैंने दाल चावल बनाया था, अरहर मलका की दाल, यानी कि बहुत से लोग उससे पीली की दाल भी बोलते हैं, तो पीली दाल बनाई थी। चावल बनाए थे, तो मैंने रोटी भी खाई और थोड़ी सी चावल भी खाए, यानी कि पेट भर गया है। तो अभी मैं वज्रासन में बैठी हूँ भोजन करने के बाद, और मैं अधिकतर भोजन करने के बाद वज्रासन में बैठती हूँ। वज्रासन से क्या होता है कि जो खाना है वो पचाने में थोड़ा आसानी हो जाती है। तो हमेशा मैं वज्रासन में बैठती हूँ और अपने बच्चों को बोलती हूँ कि भोजन करने के बाद आप वज्रासन में बैठा करो। तो बीच वाले लड़के को मैंने बहुत बार देखा है, बड़े वाले को भी देखा है, और छोटे वाला जो है वो उसे ध्यान नहीं रहता, मतलब भूल जाता है। तो मैं उसे बोलती हूँ तो फिर वो भी वज्रासन करता है। जैसे मैं बोलूँगी कि मैं भी भूल जाती हूँ क्योंकि मेरे को अपना ध्यान रहता है, लेकिन बच्चों का ऐसे ध्यान नहीं रहता कि वज्रासन करना है। तो जब उसे बोलती हूँ तो वज्रासन करता है। तो मतलब यानी कि मेरे बच्चे भी करते हैं, मैं भी करती हूँ अधिकतर। और वज्रासन करना चाहिए भोजन करने के बाद। थोड़ा सा वैसे तो 15 मिनट का है, तो 15 नहीं तो 10, 10 नहीं तो 5 मिनट, जितना आपके पास टाइम है तो उतना वज्रासन भोजन करने के बाद हमेशा करा करें। और मैंने लस्सी रखी हुई है यहाँ पे, दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये रखी है मैंने लस्सी, ये देखो, इसे पीऊँगी अभी क्योंकि दिन के खाने के बाद लस्सी पीनी चाहिए। लेकिन मौसम का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे सर्दियों में है तो सर्दियों में तो हम लस्सी नहीं पी सकते क्योंकि दिल्ली में बहुत ठंड होती है। और अब गर्मी शुरू हो गई है तो 2-3 दिनों से मैंने ये लस्सी शुरू करी हुई है क्योंकि मैं घर पर दही जमाती हूँ। और घर पर दही जमाने के बाद जैसे उसे निकालते ना तो थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ने लग जाती हो, तो जो उसमें पानी होता तो उसी लस्सी में पीती हूँ। और इसमें मैंने डाला हुआ है गुड़, तो गुड़ डाल के लस्सी पीती हूँ। मैं चीनी का यूज़ कम करती हूँ और थोड़ी देर में पीऊँगी लस्सी। और मेरे को वज्रासन करते हुए करीब 3-4 मिनट हो गए, तो मैं पूरे 10 मिनट करूँगी। तो थोड़ा आराम करती हूँ और मिलूँगी अब शाम के टाइम, शायद छत पे ही मिलूँगी। तो अभी शाम के 5:45 हो रहे हैं और मैं आ गई हूँ छत पर। अपने गमलों में मैंने पानी दे दिया है, सारे पौधों को दे दिया पानी। आज मैं जल्दी आ गई हूँ 15 मिनट, और दिन इधर को चला गया यानी कि पश्चिम की तरफ। तो सामने मेरे धूप लगी हुई है, लेकिन हवा चल रही है ना तो उसकी वजह से धूप इतनी तेज़ नहीं लगी है। लेकिन बहुत तेज़ है धूप, तो हवा भी चल रही है अच्छी। तो हवा अच्छी चल रही है, इस वजह से मैं आज 5:45 बजे ऊपर आ गई हूँ। और थोड़ी देर घूमूंगी। पानी मैं पहले दे के चली गई थी 5:30 बजे, गमलों में पानी डाल दिया था क्योंकि पानी डाल के ना फिर इधर नीचे पानी हो जाता है तो घूमने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। छत भी छोटी सी है तो मैंने कहा चलो पानी दे के आ जाती हूँ। तो पानी जो दे रखा था अब इधर सूख गया है, तो मैं थोड़ी देर घूमूंगी। और अपने लड्डू गोपाल को भी ला रखी हूँ साथ में, उनको मैंने अभी अंदर बिठा रखा है। और क्योंकि जहाँ पर उन्हें बिठाती हूँ ना वहाँ पर अभी तेज़ धूप है, तो मैं इधर के अपनी तरफ को उनका फेस रखती हूँ तो सामने उनके धूप लगेगी। तो थोड़ी सी देर में वहाँ पर छाया आ जाएगी तो वहाँ पर बिठा दूँगी और फिर मैं घूमूँगी यहाँ पर। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करना। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा। कल आती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। भलो लगा दो मोहना तेरो हंसी हंसी बचनो रे।